वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। और रोज सुबह के 6 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं आपके लिए। तो आज 29 जनवरी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है हम आप तक शेयर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन यहाँ से दिए जाते हैं उसके डिस्क्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन डिस्क्रिप्शन को भी अच्छे से सुनिए, ताकि यहाँ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सके। इसका पीडीएफ हम लोग शेयर करते हैं आपको वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें रोज की पीडीएफ के लिए। इनफैक्ट जो भी वीडियो यहाँ पे दिए जाते हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके सभी के पीडीएफ आपको शेयर कर दिए जाते हैं वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे, तो जाएं वहां से डाउनलोड करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये टेस्ट, जो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर जाएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पूछते हैं कि ग्रुप्स को कैसे ज्वाइन करें आपके, तो ये जैसे चैनल पर आएंगे ना या फिर अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये व्हाट्सअप का ये टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, ये व्हाट्सअप दूसरा है हमारा जो ग्रुप है, यहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ से ज्वाइन कीजिएगा, ये वाला ग्रुप तो अभी बिल्कुल फुल है, और ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं वाईटी एजुकेशन का, है ना, व्हाट्सएप पे। चलिए, और ये दोस्तों मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है आपके लिए, रात में ही बना के डाल दिया था, इसको वीडियो को देख लीजिएगा। और कैसे मेंस की तैयारी करनी है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो दिया गया आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये करेंट अफेयर। ओके, तो आज का पहला सवाल है कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए पापुआ गिनी और किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए आप भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, जी हाँ, नोट कर लेंगे यहां पे दोस्तों, आप लोग सभी जितने भी लोग यहां पे आंसर करेंगे वो करेंगे दोस्तों इट्स अ बी, ट्यूनीशिया, नोट कर लीजिएगा। चूंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्यूनीशिया के स्वतंत्र उच्च अधिकरण के साथ साथ चुनाव आयोग को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है, अनुमति दी गई है। इसके लिए विधान विभाग के प्रस्ताव को भी चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए चुनाव के लिए पापुआ न्यू गिनी इलेक्ट्रोल कमीशन, इसको जाना जा रहा दोस्तों PNGEC, है ना, इस नाम से, क्या तो पापुआ न्यू गिनी इलेक्ट्रोल कमीशन अपनी मंजूरी दे रही है। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि पापुआ का कैपिटल क्या होगा, यानी कि ये कंट्री है पापुआ न्यू गिनी, तो इसकी राजधानी कहाँ होगी दोस्तों, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, इट्स अ पोर्ट मोरेसबी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इसकी कैपिटल सिटी होती है, किसकी, तो पापुआ न्यू गिनी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि STEM, देखिए STEM जो है यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स अ बी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा यहाँ पे जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, इन्होंने नई दिल्ली में, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा ये जो वेन्यू है, ये वेन्यू पूछ सकता है यहाँ पे, नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर, जी हाँ इंडिया, ये सब सारे डेटा आप नोट कर लीजिएगा, इंडिया हैबिटेट सेंटर में STEM, है ना, STEM का मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या था, एक्चुअली इसका होने का इसका उद्देश्य था दोस्तों कि वैज्ञानिक करियर के लिए विकास के लिए STEM क्षेत्र में महिलाओं को भी भागीदारी में बढ़ावा मिल सके। और इस शिखर सम्मेलन का जो थीम था ये भी लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि जो भी शिखर सम्मेलन या फिर दिवस होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है, तो यहाँ पे उसके विषय जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे थीम क्या था इस बार का, तो ये था विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलाइंस, क्या है, विजुअलाइजिंग, है ना, विजुअलाइजिंग द फ्यूचर, इसको लिख लीजिएगा आप लोग भी, है ना,
और न्यू स्काईलाइंस, ठीक है, तो ये इसका थीम था, है ना, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकार ने कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ करीब 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल, जिनका भी उत्तर आ रहा है ए, महाराष्ट्र सरकार ने। अब देखिए महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो महाराष्ट्र है जो दोस्तों, इसकी राजधानी मुंबई होती है और इसके जो सीएम हैं अभी हाल ही में बने हैं उद्धव ठाकरे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम बने हैं। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक ने आज महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन की परियोजनाओं के लिए करीब 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह नोडल जो है विभागों और संस्थानों के क्षमता बनाने में मदद करेगा और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में भी इसकी निजी क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए निवेश करेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर, देखिए अमेरिकी डॉलर जो है, 1 डॉलर में इंडियन करेंसी है दोस्तों 71.25 रुपीज़, ठीक है, फिलहाल अभी है, ठीक है, तो याद ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, हो सकता है तो, ठीक है। अमेरिका की राजधानी, यूएसए की कैपिटल सिटी क्या होती है, तो वाशिंगटन डीसी होती है, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 जनवरी 2020 को किस राज्य का 50वां राज्य दिवस मनाया गया? बिल्कुल आंसर करिएगा दोस्तों यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश का, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अभी हाल ही में 18 दिसंबर 1970 को ये बना राज्य, जी हाँ, 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया था कि 25 जनवरी, है ना, नोट कर लीजिएगा, 25 जनवरी 1971 में यह नए राज्य का गठन किया गया था, ठीक। इस एक्ट के तहत 18 दिसंबर 1970 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम के संसद के द्वारा पारित किया गया था कि 25 जनवरी 1971 को ये नए राज्य के रूप में गठित हुआ है, इसलिए यह दिन यानी कि 25 जनवरी आपको हर साल पूरे राज्य में धूमधाम और उत्साह का साथ अपना 50वां राज्य दिवस भी मनाया इस बार 2020 में, ठीक है, पर ये 1971 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल, अगर आप आंसर कर रहे हैं दोस्तों शिमला, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है यहाँ पे। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, अगर आप यहां पे उत्तर कर रहे हैं दोस्तों जयराम ठाकुर, तो आपका उत्तर यहां पे बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा, जयराम ठाकुर जो है यहाँ के सीएम है। और यहाँ के जो दोस्तों गवर्नर हैं वो कौन है? तो बांद्रू दत्तात्रेय, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 में भारत का रैंक क्या है? जल्दी से आंसर करिएगा यहां पे दोस्तों। जी हाँ, देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 80वां, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, और ये सबसे ऊपर है अभी, और न्यूजीलैंड इस सूचकांक में जो है दूसरे पावदान पे है, ठीक। और अगर हम बात करेंगे जो कि इसके बारे में, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के बारे में, तो यहाँ पे बता दें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दावोस में, है ना, कहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, दावोस में, ठीक है, दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान इस सूचकांक की रिपोर्ट जारी की है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कहाँ पे, तो दावोस में ये इसकी सूचकांक जारी की गई है और भारत का स्थान 80वां रहा, और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में न्यूजीलैंड जो है वो दूसरे स्थान पे है ना, याद रखिएगा। और जो डेनमार्क है ना, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये पहले स्थान पे है इस सूची में, ठीक है। चलिए आंसर बी कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर भारत का पहला युद्ध स्मारक सेवा जानवरों के लिए समर्पित किया गया? बिल्कुल, अगर आपके उत्तर आ रहे दोस्तों यहाँ पे डी यानी कि मेरठ में, तो आप उत्तर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का ये शहर है जो कि कुत्तों, घोड़ों और खच्चड़, जो कि एक गधे की प्रजाति होती है,
शहीद सेवा जानवरों के लिए भारत के पहले युद्ध स्मारक के मेजबानी की जाएगी। यह स्थान जो है आपको बता दें कि जानवरों को योगदान और वीरता के लिए खुद को समर्पित करेगा, जिन्होंने 2016 में कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध भी अभियान और 1999 में करगिल के युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में सेना की मदद की थी। किसको किसको, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, इनके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं स्मारक बनाया जा रहा है यहाँ पे घोड़ों, खच्चर और कुत्तों के लिए। ठीक है दोस्तों नोट कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे मेरठ हो जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश की बात आई है तो यहाँ के सीएम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ है, और यहाँ का जो कैपिटल सिटी है वो लखनऊ है, ये भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको याद रखनी होगी यहाँ से। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? बिल्कुल, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है आपको मनाया जाता है 25 जनवरी को ही। नोट कर लेंगे, आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर जो प्रभाव होते हैं जागरूकता बढ़ाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए या दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को भी कैसे प्रभावित करता है, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जनवरी को मैंने देखिए एक डेट आज भी बता दिया, दो डेट एक्चुअली आज बता दिया मैंने, है ना, जो कि एक तो आपका हिमाचल प्रदेश का भी दिवस होता है, नोट कर लीजिएगा, है ना, और ये आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी हो गया यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 2020 के लिए फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया, ये इसका फुल फॉर्म है, फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया के नए अध्यक्ष कौन होंगे? बिल्कुल, आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ सुनील अरोड़ा। नोट कर लीजिएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज बिहार स्टेट का एग्जाम था ना, बिहार एसटीईटी का टीचर्स के शिक्षकों के लिए एग्जाम हो रहा था, ये इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का अभी हाल में कौन चुनाव आयुक्त है, तो सुनील अरोड़ा जिन्होंने उत्तर सही किया था उनका उत्तर बिल्कुल सही है। और ये 2020 के लिए फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया यानी कि फेमबोसा के लिए नए अध्यक्ष के रूप में भी इनको पदभार दिया गया है। और भारत के निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में फेमबोसा के लिए यहाँ पे 10वीं वर्षगांठ बनाई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 10वां संस्करण इसका मनाया गया है इस बार। और इस सम्मेलन का जो थीम था, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो भी सम्मेलन शिखर सम्मेलन है या फिर दिवस है उसका एक थीम होता है उस साल का, तो इसका थीम था क्या, तो संस्थागत, जितने भी संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है, ये इसका थीम था इस साल का। ठीक है, चलिए आंसर हमारा सी कर लीजिएगा, सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी सरकारी डेटा को हितधारकों के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से सुलभ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय डेटा एनालिस्ट NDAP विकसित किया जाएगा? तो NDAP का विकसित किया जाएगा दोस्तों नीति आयोग के द्वारा, लिख लीजिएगा, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा। ये क्या, तो विश्व स्तरीय उपयोगकर्ता अनुभव के माध्यम से, है ना, एक्सपीरियंस के माध्यम से यहाँ पे जनता सरकारी डेटा तक पहुँच सके और प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा और एनालिस्ट प्लेटफॉर्म का यहाँ पे विकसित करेगा, यानी कि जिसे हम लोग NDAP के नाम से जानेंगे। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं मिस्टर राजीव कुमार, है ना, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, यहाँ के ये उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। और CEO हैं कौन अभी इसके, नीति आयोग के CEO कौन है, तो ये कौन है दोस्तों, तो लिख लीजिएगा अमिताभ कांत। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। और NDIP है ना, नीति आयोग द्वारा अखिल भारतीय का पहल है ये, इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों और केंद्रीय मंत्रालयों की राज्य सरकारों द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि नेशनल डेटा एंड एनालिस्ट प्लेटफॉर्म, जिसे हम लोग NDAP के नाम से जानेंगे, इसका ये पहला संस्करण 2021 में जारी की जाने की प्रस्तावना रखी गई है। ठीक है, चलिए, तो जब भी इसके बारे में अपडेट आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है कि किस देश ने 2020 के लिए G77 के समूह की अध्यक्षता की है। तो आंसर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स बी गुयाना। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, गुयाना जो है ये दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ पर फिलीपींस ने वर्ष 2020 के लिए 77 यानी कि ग्रुप 77 के लिए अध्यक्षता की, जिसने कि 2019 के लिए समूह की अध्यक्षता की थी। यह इस समूह के लिए G77 की स्थापना कब हुई थी ये बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से। तो G77 की स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1964 में 15 जून को, ठीक है 15 जून को याद रख लीजिएगा। और जेनेवा में इसका स्थापना किया गया था। और जो संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देश थे, सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन जिसे हम लोग मानते थे, ठीक है वो भी इसमें शामिल है। आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो अक्सर एग्जाम में पूछेगा, सॉरी देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो अक्सर एग्जाम में पूछेगा क्या, तो यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे दोस्तों, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है न्यूयॉर्क है ना अमेरिका यूएसए। इसका क्या है तो मुख्यालय है किसका, तो G77 का याद रखिएगा। ओके इसकी शुरुआत हुई थी 1964 में 15 जून को। ओके सफिशियंट है इतना, आज का आंसर बी हो जाएगा 10वां का। ओके तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसका PDF टेलीग्राम से जाके डाउनलोड भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।